Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic synergy. The pursuit of synergy is practiced by most businesses in the world. The boardrooms are full of brainstorms about ways to collaborate more effectively. Cross-business teams are set up to develop key account plans, coordinate product development and proliferate best practice. जब हम synergy की बात करते हैं, world में शायद ही कोई ऐसी business organization होगी जो synergy को follow ना करती हो. Almost each and every business house is going through the concept of synergy. हर कोई इस concept को properly utilize करना चाहता है. Synergy को हर कोई adopt करना चाहता है. जितने भी board rooms हैं, उसमें इसी के रिगार्डिंग एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चलती रहती है कि किस तरीके से कोलैबोरेशन को इफेक्टिव वे में फॉलो किया जाए, डिफरेंट वेज को सर्च किया जाए जिसके बेसिस पर कोलैबोरेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके. इसके लिए एक प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग चलती रहती है बोर्ड रूम्स के अंदर. क्रॉस बिजनेस टर्म्स को सेटअप किया जाता है जिससे कि की अकाउंट प्लान्स को प्रॉपरली डेवलप किया जा सके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जा सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उन्हें प्रोलिफरेट किया जा सके. इसलिए सिनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर बिजनेस हाउस को रहती है ऑल ओवर वर्ल्ड में. क्या कॉन्सेप्ट है सिनर्जी का? सिनर्जी इज द कॉन्सेप्ट दैट द वैल्यू एंड परफॉर्मेंस ऑफ टू कंपनीज combined will be greater than the sum of the separate individual parts. Synergy is a term that is most commonly used in the context of merger, joint ventures, acquisitions, strategic partnership, franchises, etc. The reasoning behind strategic alliances generally given is that two separate companies together create more value compared to being on an इंडिविजुअल स्टैंड. यानी जब हम सिनर्जी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सिनर्जी के कॉन्सेप्ट का कहना है कि अगर दो कंपनीज एक साथ मिलकर वर्कआउट करें तो जो उनके वैल्यू और परफॉर्मेंस का टोटल होगा वो उनके सेपरेट इंडिविजुअल पार्ट से हमेशा ज्यादा ही होगा, ग्रेटर ही होगा. सिनर्जी मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाली टर्म है मर्जर के रेफरेंस में, जॉइंट वेंचर के रेफरेंस में, एक्विजिशंस के रेफरेंस में, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रेफरेंस में, फ्रेंचाइजी के रेफरेंस में. यानी कि मर्जर, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, फ्रेंचाइजी, इनको क्यों फॉलो किया जाता है? सिनर्जी को क्रिएट करने के लिए. सिनर्जी ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज होती हैं, उनके बीच में जॉइंट वेंचर होता है या एक्विजिशन होता है. ये सारे के सारे जो फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन फॉलो किए जाते हैं, इनका पर्पज क्या होता है? सिनर्जी को ऑब्टेन करना. पर्पज क्या है, रीजनिंग क्या है इसके पीछे की? स्ट्रेटजिक अलायंस के पीछे की जो रीजनिंग है वो ये है कि जो दो सेपरेट कंपनीज हैं वो इंडिविजुअल स्टैंड के कंपेरिजन में ज्यादा वैल्यू को क्रिएट कर सकती हैं, जिसे हम सिनर्जी का नाम देते हैं. तो कुल मिला के जो सिनर्जी है उसको हम कह सकते हैं 1+1=3. या आपने सुना होगा 2+2=5. यानी कि अगर मैं दो कंपनीज को ऐड कर दूं, वैसे तो 1+1=2 हुआ, लेकिन सिनर्जी का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1+1=3 का मतलब यह हुआ कि अगर दो इंडिविजुअल कंपनीज अलग अलग वर्कआउट करती हैं तो उनका इंडिविजुअल टोटल जो होगा वो होगा 2, लेकिन अगर वो कंबाइंड होकर काम करती हैं तो उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अब कंबाइंड परफॉर्मेंस में कंपेयर कन्वर्ट हो चुकी है और उसके बेसिस पर जो उनका परफॉर्मेंस या वैल्यू का टोटल होगा वो 2 से ज्यादा, यानी कि हमने 3 मान लिया. इट इज मोर देन 2, इट इज ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल वैल्यू, जिसे हम सिनर्जी के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करते हैं. यानी कि अगर दो फर्म्स कंबाइंड हो रही हैं तो उनकी वैल्यू और परफॉर्मेंस उनके इंडिविजुअल वैल्यू और परफॉर्मेंस के कंपेरिजन में ज्यादा होगी, जिसे हम सिनर्जी के नाम से जानते हैं. दैट इज क्लियर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
सिनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस सिनर्जी एंड इट्स रेलिवेंस टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की फील्ड में सिनर्जी का क्या रेलिवेंस है, हमें ये टॉपिक स्टडी करना है क्योंकि हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिनर्जी किस तरीके से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के साथ में रिलेटेड है, क्यों हमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में सिनर्जी को स्टडी करना पड़ता है, इसके पीछे हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सिनर्जी डिफाइन करती है बिजनेस के उन बेनिफिट्स को जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉपरेशन और इनोवेशन को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज होकर गेन करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉपरेशन और इनोवेशन को मैक्सिमाइज करना चाहती है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि इस पर्पज को अचीव किया जा सके, इस बेनिफिट को गेन किया जा सके। इसे ही हम सिनर्जी का नाम देते हैं, या सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं अगर एक सिनर्जिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है तो ग्रुप में रहते हुए उसका अचीवमेंट लेवल ज्यादा होगा अगर हम उसके आइसोलेटेड पार्ट से उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। यानी कि अगर मान लीजिए कि दो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को टोटल किया जाए और उनकी ग्रुप में परफॉर्मेंस को टोटल किया जाए, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का टोटल कम होगा जबकि ग्रुप की परफॉर्मेंस का टोटल ज्यादा होगा, ये कहना है सिनर्जी का। इसे हम सिनर्जी का नाम देते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो सिनर्जी की रेलिवेंस को स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में प्रॉपरली डिफाइन करेगा, जिसमें पहला पॉइंट रहता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के लिए क्या करना होता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ही एनालाइज करिए और ये देखिए कि हर सेक्शन में की स्किल्स कौन कौन सी हैं। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे डिपार्टमेंट को तब तक आपको उनकी की स्किल्स नहीं पता चलेंगी। तो एनालाइज करने का पर्पज क्या है, हर डिपार्टमेंट की स्किल्स को आइडेंटिफाई करना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ में इस तरीके से कनेक्ट करने के रास्ते ढूंढने हैं जिससे कि हर एक डिपार्टमेंट के रेफरेंस में ग्रुप में रहते हुए उनकी स्किल्स और इनसाइटनेस जो है वो एक दूसरे को प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट कर सके और सपोर्ट कर सके। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ पर्टिकुलर की स्किल्स हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है और दूसरे डिपार्टमेंट में जो की स्किल्स हैं वो पहले डिपार्टमेंट में नहीं है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो उनकी की स्किल्स कंबाइंड हो जाएंगी और उसका एडवांटेज दोनों को ही मिलेगा। इससे क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, सिनर्जी का, यानी कि उनकी जो ग्रुप परफॉर्मेंस होगी वो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के टोटल से भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का एडवांटेज लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट है जिसका मेन काम, मेन पर्पज क्या है, मेन वर्क क्या है, की वर्क क्या है उसका, नए अकाउंट्स को क्रिएट करना, और एक रिसर्च टीम है उसका की स्किल्स क्या है उसकी, है ना, नई प्रोडक्ट लाइंस को डिजाइन करना, ये इसकी की स्किल्स है। अगर हम इन दोनों डिपार्टमेंट को एक सिनर्जिस्टिक वे में कनेक्ट कर दें तो इससे क्या होगा, एक जॉइंट टीम डेवलप होगी जो कॉम्प्लीमेंट्री वे में दोनों की डिस्पेरेट स्किल्स को कंबाइन कर देगी और उसका एडवांटेज दोनों को ही मिलेगा। यानी कि अब जो ग्रुप की परफॉर्मेंस होगी वो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ये कैसे पॉसिबल हुआ, सिनर्जी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ओके, द सेकंड वन इज द इंक्रीज कम्युनिकेशन। क्या करते हैं हम, जब सिनर्जी के कॉन्सेप्ट को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना होता है तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं उन्हें प्रॉपरली कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है और उनको एलिमिनेट करना होता है। अगर वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बेसिस पर सिनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि आपने ब्लॉकेजेस तो एलिमिनेट कर दिए हैं, इससे कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा
अगर कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली सिनर्जी इंक्रीज होगी और कम्युनिकेशन भी आपका इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने डिपार्टमेंटल हेड से कहिए कि भाई वो रेगुलरली करंट एक्टिविटीज को डिस्कस करें अपने जूनियर्स के साथ में, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में। इससे क्या होगा, जो कन्वर्सेशन होगा वो फास्ट होगा, क्लियर वे में कन्वर्सेशन को फॉलो किया जाएगा इस प्रोसीडिंग के बेसिस पर, और कॉपरेशन के रिगार्डिंग इनोवेटिव आइडियाज को लीड किया जाएगा और उससे सिनर्जी इंक्रीज होगी और कम्युनिकेशन भी इससे इंक्रीज होगा। तो सभी बात क्या होगी, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दैट इज क्लियर। थर्ड वन इज द एफिशिएंट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपकी एफिशिएंट हो यह हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, और इस एफिशिएंट परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि स्ट्रक्चरल जो रिडंडेंसी है वो एलिमिनेट होनी चाहिए। अगर आपने स्ट्रक्चरल रिडंडेंसी को एलिमिनेट कर दिया तो इससे सिनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो आपको क्या करना होता है, इसके रेफरेंस में डिफरेंट टाइप के वेज को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि जो आपके स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस हैं उनके रेफरेंस में आप डिफरेंट टाइप के वेज को आइडेंटिफाई करते हो जिससे कि स्ट्रक्चरल रिडंडेंसी को एलिमिनेट किया जा सके और उसके बेसिस पर सिनर्जी को इंक्रीज किया जा सके। क्या तरीका है उसके लिए, आपके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप कहिए कि भाई वो मैक्सिमम और मैक्सिमम अपने प्रॉपर रोल पर ही वर्कआउट करें, फोकस करें, कहीं और फोकस ना करें। उनका फोकस केवल और केवल उन्हीं पर्टिकुलर एक्टिविटीज पर होना चाहिए जो उन्हें मेनली परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं, जिसके लिए वो हाईली लेवल पर रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो केवल और केवल उन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी जो सिनर्जी है वो इंक्रीज होगी और परफॉर्मेंस एफिशिएंट होती चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, सेवरल डिपार्टमेंट्स को आपने जिम्मेदारी दे रखी है कि वो अपने फंक्शंस तो करें, लेकिन अपने फंक्शंस के साथ साथ वो कस्टमर्स के साथ में भी डील करें। तो इससे क्या होगा, इससे इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला आपने, आपने एक सिंगल और डेडिकेटेड डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जो कस्टमर सर्विस को हैंडल करता है। अब जो हर डिपार्टमेंट है इसके अंदर वो कस्टमर्स से डील नहीं करेगा, वो केवल और केवल अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने पर फोकस करेगा जो उसको दिया गया है। तो इससे उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि अब कस्टमर्स को हैंडल करने की या कस्टमर सर्विस को हैंडल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर्टिकुलर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट पर है जो अलग से क्रिएट किया गया है। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो फ्रीली अब ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट वे में अपनी सर्विसेज को या अपने रोल को परफॉर्म कर पाएंगे, और इससे इनकी सिनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस भी एफिशिएंट होती चली जाएगी। दैट इज क्लियर। द लास्ट वन इज द शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। दिस इज द अनदर वे जिसके बेसिस पर सिनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहां क्या करना है आपको, अपने एम्प्लॉयज को आप अलाउ करिए कि जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हैं उनको होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में शेयर किया जाए। जब सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज को होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में शेयर किया जाएगा तो जिस तरीके से उस डिपार्टमेंट ने सिनर्जी को इंक्रीज किया है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी सिनर्जी को इंक्रीज करने में कामयाब हो पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं आपके, उन्होंने डिस्कवर किया कि एक इंसेंटिव प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की वजह से वो अपने स्टाफ को प्रॉपरली मोटिवेट करने में सक्सेसफुल रहे हैं और उसकी वजह से उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है। तो इसी सेम अप्रोच को अदर डिपार्टमेंट्स में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जिससे कि होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सिनर्जी को इंक्रीज करते हुए आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस को अचीव कर पाए। तो कुल मिला के बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने से सिनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स व्हिच क्लैरिफाइज द रेलेवेंस ऑफ सिनर्जी इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।